नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। आइए आज बिहार के 15 बड़ी खबरों को जानते हैं। तो फटाफट से सभी कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं, और साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, और अपने तरफ से एक प्यारा लाइक इस वीडियो को जरूर कर दें। आज की पहली खबर, अवध बिहारी चौधरी ने किया नामांकन, महागठबंधन ने बनाया स्पीकर उम्मीदवार। जी हां, अवध बिहारी चौधरी ने विधानसभा स्पीकर को लेकर नामांकन किया है। इस दौरान तेजस्वी यादव, कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा और माले के नेता और विधायक साथ में रहे। चौधरी ने महागठबंधन के उम्मीदवार बनाने पर धन्यवाद दिया है, कहा कि वह निष्पक्ष तरीके से सदन को चलाएंगे, किसी को शिकायत का मौका नहीं देंगे। आपको बता दें कि महागठबंधन की बैठक में माले, कांग्रेस और आरजेडी ने संयुक्त उम्मीदवार बनाया है। तेजस्वी यादव ने अवध बिहारी चौधरी के नाम की घोषणा की। हालांकि विधानसभा में स्पीकर का चुनाव के लिए उम्मीदवार उतारने के बावजूद भी महागठबंधन को जीत को लेकर कड़ी टक्कर से जूझना होगा, क्योंकि जो अंक गणित है वह महागठबंधन के पक्ष में नहीं है। फिर भी महागठबंधन ने एक बड़ा दांव खेला है। अगली बड़ी खबर, विजय कुमार सिन्हा होंगे बिहार विधान के नए अध्यक्ष, लखीसराय से हैं भाजपा विधायक। जी हां, विधानसभा अध्यक्ष को लेकर चल रही चर्चाओं का दौर अब खत्म हो चुका है और ये साफ हो गया है कि विजय कुमार सिन्हा बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष होंगे। वह इससे पहले पिछली सरकार में श्रम संसाधन मंत्री के तौर पर काम कर चुके हैं। लखीसराय से विधायक विजय कुमार सिन्हा पार्टी में एक मजबूत स्वर्ण चेहरा के तौर पर जाने जाते रहे हैं। पिछड़ा और अति पिछड़ा समाज से दो डिप्टी सीएम बना चुकी भाजपा के अंदर स्वर्णों की नाराजगी सामने आने लगी थी। स्वर्ण समाज से आने वाले नेताओं की भी गोलबंदी शुरू हो गई थी, लिहाजा एक बार फिर से पिछड़ा समाज से आने वाले किसी व्यक्ति को विधानसभा अध्यक्ष बनाकर भाजपा स्वर्णों को नाराज करने का कोई खतरा नहीं उठाना चाहती है। पटना में मौसम ने तोड़ा रिकॉर्ड, नवंबर में 12 साल बाद न्यूनतम तापमान 9.4 डिग्री पर पहुंचा। जी हां, आपको बता दें कि मौसम विभाग के मुताबिक बिहार में हवा का दो सिस्टम सक्रिय है। बिहार के तटवर्ती क्षेत्रों में जहां उत्तर पूर्वी का हवा सक्रिय है, वहीं दक्षिण हिस्से में उत्तरी पश्चिमी हवा के सक्रिय होने से पारे में लगातार गिरावट दर्ज हो रही है। सोमवार को नवम्बर माह में पारे ने जहाँ पटना में 12 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है, वहीं गया प्रदेश का सबसे ठंडा शहर रहा। सोमवार को गया सबसे ठंडा रहा, जहां न्यूनतम तापमान 7.4 पहुंच गया, वहीं पटना में पारा 9.4 पहुंच गया, जिससे 12 साल का रिकॉर्ड टूटा है। बीपीएससी 65वीं संयुक्त मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा की तिथि जारी, परीक्षा से पहले केंद्रों पर होगी फॉगिंग। जी हां, बिहार लोक सेवा आयोग की 65वीं संयुक्त मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा में डेंगू और कोरोना से बचाव बड़ी चुनौती है। परीक्षार्थियों को संक्रमण से बचाने को लेकर पटना के डीएम कुमार रवि ने नगर निगम आयुक्त और सिविल सर्जन को निर्देश दिया है। परीक्षा का आयोजन 25, 26 और 28 नवंबर को पटना में 10 केंद्रों पर होगी। परीक्षा के पूर्व सैनिटाइजेशन के साथ फॉगिंग की विशेष व्यवस्था की गई है। प्रथम पाली की परीक्षा सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक और दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। अगली बड़ी खबर, बिहार पुलिस दारोगा भर्ती परीक्षा 102 केंद्र पर होगी। बिहार पुलिस में दारोगा, सर्जेंट और सहायक जेल अधीक्षक के पदों पर भर्ती के लिए 29 नवंबर को होने वाली मुख्य लिखित परीक्षा की तैयारी पूरी कर ली गई है। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग यह परीक्षा आयोजित कर रहा है। राज्य के 12 जिलों में इसके लिए 102 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा 2 पालियों में होगी। बिहार पुलिस और कारा एवं सुधार सेवाएं निरीक्षालय के अधीन दारोगा, सर्जेंट और सहायक जेल अधीक्षक के 2446 पदों पर बहाली की प्रक्रिया चल रही है। पिछले साल इसका विज्ञापन निकाला गया था। दिसंबर में संयुक्त प्रारंभिक लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसका परिणाम 28 जनवरी को जारी किया गया था। आपको बता दें कि मुख्य लिखित परीक्षा में 50,072 अभ्यर्थियों को शामिल होना है। इस परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र जारी किया जा चुका है। अभ्यर्थियों को ज्यादा दूर ना जाना पड़े, इसके लिए राज्य के 12 जिलों नालंदा, गया, भोजपुर, रोहतास, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, छपरा, दरभंगा, सहरसा, पूर्णिया, भागलपुर और बेगूसराय में सेंटर बनाए गए हैं।
सीबीआई ने हाईकोर्ट में दाखिल किया जवाब, कहा लालू यादव ने पूरी नहीं की है आधी सजा, ना मिले जमानत। चारा घोटाला में सजा काट रहे लालू प्रसाद यादव की जमानत को लेकर सीबीआई ने मंगलवार को अपना जवाब हाईकोर्ट में दाखिल कर दिया है। सीबीआई ने अपने जवाब में कहा है कि लालू यादव ने दुमका कोषागार मामले में अभी तक आधी सजा नहीं काटी है, साथ ही सीआरपीसी की धारा 427 का भी मुद्दा उठाया है। इस मामले में अगर लालू को जमानत की सुविधा मिलती है तो वे जेल से बाहर निकल जाएंगे। इस मामले में 27 नवंबर को सुनवाई होनी है। लालू ने दुमका कोषागार में आधी सजा काटने और कई तरह की बीमारियों का हवाला देते हुए जमानत मांगी है। अगली बड़ी खबर, सरकार ने 43 मोबाइल एप्स पर लगाया बैन, देश की सुरक्षा के लिए बताया खतरा। जी हां, सरकार ने 43 और मोबाइल एप्स पर बैन लगा दिया है, जिनमें से आधिकारिक चाइनीज है। देश की संप्रभुता, अखंडता और सुरक्षा के लिए खतरा बताया गया है। आईटी एक्ट की धारा 59A के तहत यह कार्रवाई की गई है। सरकार की ओर से बताया गया है कि कार्रवाई यह इनपुट मिलने के बाद की गई है। ये एप्स भारत की संप्रभुता, अखंडता, रक्षा, सुरक्षा और कानून व्यवस्था के खिलाफ गतिविधियों में लिप्त है। सरकार ने जिन एप्स पर बैन लगाया है उनमें अली सप्लायर्स मोबाइल ऐप, अलीबाबा वर्कबेंच, अली एक्सप्रेस, अलीपे कैशियर, लाल मूव इंडिया, ड्राइव विद लाल मूव इंडिया, स्नैक वीडियो, कैम कार्ड बिजनेस कार्ड रीडर, कैम कार्ड बीसीआर वेस्टर्नर, सोल चाइनीज सोशल, डेट इन एशिया, वी डेट, फ्री डेटिंग ऐप, एडोर ऐप, टूल चाइनीज, इसी तरह के कुल 43 एप्स को बैन किया गया है। अगली बड़ी खबर, 2 दिसंबर से पटना और मुंबई के बीच नई विमान सेवा, टिकट की बुकिंग शुरू। जी हां, मुंबई से पटना के बीच इंडिगो की एक नई विमान सेवा शुरुआत दिसंबर से होने जा रही है। इस विमान को विंटर शेड्यूल में शामिल किया गया है, इसमें टिकट की बुकिंग भी शुरू हो गई है। इंडिगो का विमान मुंबई से दिन में 11:30 बजे उड़ान भरेगा और दोपहर 2 बजे पटना एयरपोर्ट पर लैंड करेगा। यह विमान पटना से मुंबई वापसी के क्रम में 2:30 बजे उड़ान भरेगा और मुंबई एयरपोर्ट पर 5:00 बजे पहुंचेगा। यह उड़ान 2 दिसंबर से 27 मार्च तक उपलब्ध रहेगी। गौरतलब है कि 2 दिसंबर से पटना के कुल विमानों की संख्या 50 जोड़ी से बढ़कर 51 जोड़ी हो जाएगी। अगली बड़ी खबर, बिहार में स्कूल खोलने से पहले सभी बच्चों की होगी कोरोना जांच, स्कूल को भेजा निर्देश। जी हां, बिहार में स्कूल खोलने से पहले सभी विद्यार्थियों को कोरोना जांच की जाएगी, जांच रिपोर्ट आएगी तब स्कूल जाने का मौका मिलेगा। इस दौरान अगर कोई कोरोना पॉजिटिव निकला तो उसे 14 दिनों तक होम क्वारंटाइन रखने के बाद ही स्कूल बुलाया जाएगा। ऐसे विद्यार्थी के लिए ऑनलाइन ही पढ़ाई चलेगी। इसके लिए सीबीएसई और सीआईएसई स्कूलों को निर्देश भेज दिया गया है। ज्ञात हो कि अक्टूबर और नवंबर में मध्य प्रदेश, राजस्थान आदि कई राज्यों में स्कूल खोले गए हैं। इस दौरान कई छात्रों के कोरोना पॉजिटिव निकलने से संबंधित स्कूल को पुनः बंद करना पड़ा। बिहार की बात करें तो अभी तक स्कूल खोले नहीं गए हैं, लेकिन स्कूल खुलने से पहले कोरोना जांच करवाने की जिम्मेदारी संबंधित स्कूल प्रशासन को दी गई है। बड़ी खबर, हाईकोर्ट ने बिहार में अवैध पैथ लैब सेंटरों के खिलाफ कार्रवाई का ब्यौरा तलब किया। जी हां, पटना हाईकोर्ट ने बिहार में अवैध रूप से संचालित पैथ लैब सेंटरों के खिलाफ कार्रवाई का ब्यौरा तलब किया है। इस मामले में अगली सुनवाई 22 दिसंबर को होगी। न्यायमूर्ति संजय करोल व न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ ने इंडियन एसोसिएशन ऑफ पैथोलॉजिस्ट एंड माइक्रोबायोलॉजिस्ट की ओर से दायर अनहित याचिका पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया है। याचिकाकर्ता की तरफ से शुभम सूल हौदा ने आरोप लगाया है कि बिहार में अब भी हजारों की तादाद में अवैध पैथ लैब चल रही है। जवाब में सरकारी अधिवक्ता प्रशांत प्रताप ने कोर्ट को बताया कि हाईकोर्ट के पिछले आदेश के अनुपालन में राज्य सरकार ने जिलावार वैध एवं अवैध पैथोलॉजिस्ट केंद्रों की सूची प्रकाशित कर हर एक सिविल सर्जन को अवैध सेंटर के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया है। विधानसभा के बाहर माले विधायकों का हंगामा, स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे की मांग। 17वीं विधानसभा का पहला सत्र सोमवार को शुरू हो गया है। कल दूसरा दिन था और सदन शुरू होने से पहले माले के विधायकों ने विधानसभा परिसर के बाहर जमकर हंगामा किया। सभी ने गुलनाज को इंसाफ दिलाने की मांग की। माले विधायक ने हाथ में तख्ती लेकर प्रदर्शन किया और गुलनाज को जल्द से जल्द इंसाफ दिलाने की मांग की। इसके अलावा माले के विधायकों ने पटना में हुए किडनी कांड का भी मुद्दा उठाया। माले विधायकों ने सरकार से मांग की है कि जल्द ही इस मामले में युवक को न्याय मिले और स्वास्थ्य मंत्री से इस्तीफे की मांग की है।
अगली बड़ी खबर 26 नवंबर को सभी बैंकों में हड़ताल, सारे कामकाज ठप रखेंगे बैंक कर्मी। जी हां, ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन की तरफ से 26 नवंबर को राष्ट्रव्यापी हड़ताल बुलाई है। इस हड़ताल में 3 बैंक संगठन शामिल है। हड़ताल में SBI और प्राइवेट बैंकों को छोड़कर सभी ग्रामीण, सहकारी और वाणिज्यिक बैंक बंद रहेंगे। इसके साथ ही बैंक यूनियन ने भी इस हड़ताल को अपना नैतिक समर्थन दे दिया है। 26 को हड़ताल के बाद 27 को बैंक खुलेंगे। इसके बाद 3 दिनों की छुट्टी रहेगी। बैंक यूनियन का आरोप है कि सरकार श्रमिक और किसान विरोधी कानून बना रही है, पब्लिक सेक्टर निजीकरण किया जा रहा है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि इस पर सरकार कदम आगे न बढ़ाए। साथ ही नॉन इनकम टैक्स पे कर्मचारी को 7,500 रुपये प्रतिमाह भत्ता देने, बैंकों का निजीकरण नहीं करने, डिफॉल्ट पर कार्रवाई करने, कोऑपरेटिव NPN की वसूली करने, बैंक डिपॉजिट की ब्याज दर में वृद्धि करने, बैंकों में आउटसोर्सिंग पर रोक लगाने, बैंकों में नियुक्ति शुरू करने, सभी बैंक कर्मियों के लिए DA लिंक पेंशन योजना लागू करने जैसी हमारी मांगे हैं। चलिए अब बात करते हैं राज्य में कोरोना अपडेट को लेकर। तो बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब धीमी हो गई है। जी हां, राज्य में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 653 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमित की संख्या बढ़कर 231,697 तक पहुंच गई है। बिहार में फिलहाल 5,768 कोरोना के एक्टिव मरीज है। वहीं राजधानी पटना में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। राजधानी पटना में एक बार फिर से सबसे ज्यादा 194 नए मामले सामने आए हैं। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटों के भीतर 6 लोगों की कोरोना से जान चली गई है। इसके साथ ही राज्य में कुल मरने वालों का आंकड़ा 1227 तक पहुंच गया है। बिहार के लोगों के लिए खुशी की बात यह है कि महज 24 घंटों के भीतर 480 कोरोना मरीज स्वस्थ हुए हैं। तो वहीं दूसरी ओर कोरोना को लेकर में अलर्ट, आने वाले 15 दिन बेहद महत्वपूर्ण, सरकार ने हर जिले में टेस्ट बढ़ाने का दिया आदेश। जी हां, राज्य के मुख्य सचिव दीपक कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों को कोरोना संक्रमण को लेकर आगाह किया है। सभी जिलों को टेस्टिंग बढ़ाने, कोविड केयर सेंटर को क्रियाशील रखने, साथ ही साथ मास्क और सामाजिक दूरी पर सख्ती के निर्देश दिए गए हैं। मास्क उपयोग का अनुपालन कार्रवाई करने के लिए अभियान चलाने को कहा गया है। और अंत की बड़ी खबर, पटना पुस्तक लगा ग्रहण, कोरोना के कारण नहीं सजेगी किताबों की दुनिया। जी हां, पटना में ठंड की शुरुआत होते ही लोगों को पुस्तक मेले का बेसब्री से इंतजार रहता, लेकिन इस बार पुस्तक प्रेमियों को निराशा होना पड़ेगा क्योंकि कोरोना संक्रमण के कारण इस साल पुस्तक मेले के आयोजन पर ग्रहण लग गया है। सेंटर फॉर लीडरशिप डेवलपमेंट ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि यानी अब पुस्तक प्रेमियों को अगले साल तक का इंतजार करना पड़ेगा। बता दें कि हर साल सेंटर फॉर लीडरशिप डेवलपमेंट के द्वारा पुस्तक मेलों का आयोजन किया जाता है और इसकी शुरुआत 1985 में काफी छोटे स्तर पर हुई थी। तब से इसकी लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि मेला लगते ही हजारों हजार की संख्या में लोग पहुंचते थे। पुस्तक मेला के बारे में बता दें कि मेले में पुस्तक की बिक्री होने के साथ ही कला साहित्य से जुड़ी तमाम गतिविधियों में पाठक भाग लेते रहे। तो इसी के साथ ही आज के समाचार में इतना ही। डेली बिहार की बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बिहारी मीडिया को जरूर सब्सक्राइब करें।